गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। आज है हमारे घर पे मिस्त्रियों का सेकेंड डे और ऊपर से मंडे, ऊपर से हम लोगों का अपना खुद का ऑनलाइन काम, ऊपर से मिस्त्री, तो बहुत सारी चीजें आज के ब्लॉग में होने वाली हैं। आज का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिस्त्रियों की चाय दिखाती हूँ कि अभी मिस्त्रियों की चाय बन रही है। जैसे चाय रेडी होती है हम ऊपर जाएंगे और आपको अपडेट देंगे कि आज क्या क्या चेंजेस होने हैं और क्या क्या हो चुके हैं। गाइज ये है आज की अपडेट। कल तक आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे एक वॉशरूम था, बट ये वॉशरूम बहुत छोटा था और हमने डिसाइड किया है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट की बैठक बैठी थी, उस बैठक में डिसाइड हुआ कि इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करवाएंगे, तो ये इस साइड एक्सटेंड हो जाएगा और थोड़ा सा खुला हो जाएगा वॉशरूम, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमारा एसी उतर चुका है, एसी इसलिए हमें उतरवाना पड़ा क्योंकि अब हम नीचे भी वॉशरूम जो है एक्सटेंड करवाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर ये तोड़फोड़ होएगा। तो अभी कैमरा वगैरह सब रिमूव होगा और ये दीवार भी टूटेगी और नया वॉशरूम बनेगा। हाँ सॉरी, मैंने आपको अंदर का अपडेट भी नहीं दिया। देखो अंदर टाइल्स वगैरह सब टूट चुकी है, अब यहाँ पर सब कुछ रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। प्लम्बर का काम ख़त्म हो चुका है, अब बस बनाना मिस्त्री का और मजदूर का काम बचा है। सब तक आपने देखा कि हमने एसी निकलवाया है, अब हमारे पास एक ये नए मिस्त्री आए हैं खिड़की के, तो ये अभी इस पूरी खिड़की वाले उसको निकालेंगे फ्रेम को। ये लीजिए मिस्त्री जी प्लस। हमारा अब तक जो हमारा मिस्त्री था ना बहुत ही वेल ट्रेंड थे, ये थोड़ा न्यू मिस्त्री है, थोड़ी दिहाड़ी कम लेगा और काम भी अच्छे से स्लो स्लो कर देगा। तो अभी देखते हैं कितनी देर में अपडेट होती है। अभी ये लगे हैं और इनको ये पूरा फ्रेम निकालना है। ये इसके कब्जे खोल रहे हैं ना, कब्जे खोल के मिस्त्री जी इस पूरे इसको निकाल देंगे। ऐसे इनको 1 2 3 4 5 रोशनदान भी निकलेगा मिस्त्री जी, रोशनदान निकलेगा। हाँ जी, तो रोशनदान भी तेल डाल के ले आओ जी, आपका प्लास खराब है, सरसों का तेल डाल। आप खुद के खुद नहीं लेके आते क्या, आपके पास खुद का कोई जुगाड़ नहीं होता? मेरा ही घर है, बकवास नहीं। मिस्त्री होके देख लो, आजकल के मिस्त्री सराफत का जमाना ही नहीं है। मिस्त्री कब्जा करने के लिए सोच रहा है इस घर पे, खिड़की निकालनी है निकालो, कब्जा मत करो ठीक है। मिस्त्री जी के लिए अभी हम ले आए हैं सरसों का तेल क्योंकि इनके प्लास में जल लगा हुआ है। ये होता है देसी जुगाड़, अगर आपके भी गेट में ताले में किसी भी चीज़ में अगर जल लग जाता है या वो काम नहीं कर रही है तो सरसों का तेल डालें, वो फट फट काम करेगी, है ना। खिड़की खिड़की तो काम ही कर रही है। अरे मैं तेरे दिमाग की बात कर रहा था, तेरे सिर में थोड़ा तेल गिर गया, तेरी बुद्धि काम करने लग जाए। गाइस अगर आप भी अपना घर रेनोवेट करा रहे हैं ना तो इतना बदतमीज मिस्त्री या मजदूर मत लाइएगा, पहले उससे दो चार बात कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। एक तो ये मिस्त्री हमारे घर आया, एक तो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है तो हम फालतू की जबाने लड़ा रहा है। चाय कितने बजे पीनी है मिस्त्री जी? पे प्यारे थोड़ी सी, अभी तो 10 वाली दी थी, इतनी जल्दी जल्दी चाय नहीं मिलेगी। पूछ दीजिए, बताया थी मैंने, लेकर आ जा। मैं नियत देख रही थी, नियत 3 बजे मिलेगी। अब 3 बजे क्यों दे चाय यार? नहीं तो चलिए मिस्त्री जी को अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं जो कि हमारा ऑफिस का काम है, तो पहले हम वो करते हैं और फिर थोड़ी देर में अपडेट दिखाते हैं क्या अपडेट है। तो देखिए गाइस ऐसे उतर जाती है ये कब्जा खुल के और ये खिड़की उतरने वाली है, सिर्फ एक नट बचा है, नीचे से ये झूला झूल रही है और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मात्र नैनो सेकंड में ये खिड़की बहुत जल्द उतर जाएगी। ओ नैनो सेकंड। थोड़ा मजदूर देसी सा है, निरे हॉट डॉग बर्गर जमे हुए हैं, मेरी तरह चूरमा खाता था अब तक, कैसे एक हाथ से उठा लेता खिड़की को, खुली नहीं क्या? लो गाइस अभी भी नहीं खुली। अरे यार सस्पेंस ही बना दिया। ये एक नई अपडेट, एक खिड़की उतार दी गई है आखिरी में, अपना ही दिमाग लगाया, वो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई वरना मैं दोस्तों आपको अपना दिमाग दिखाती, इतनी देर से लगा हुआ था। 1000 years later. अब नया अपडेट, यहाँ से हमारी सारी खिड़कियाँ खुल चुकी हैं,
मजदूर जी आप चाय पियेंगे या फिर लस्सी? चाय नहीं, सॉरी, लस्सी या नींबू पानी? चाय। चाय नहीं मिलेगी मजदूर को? दो बार की चाय मिलेगी? नहीं, दो बार की मिलती है, 10 और 3, 10 वाली मिल चुकी है। 10 बजे तीन बार तीन आपको पहले ही पिला दी गई थी 10 वाली। मजदूर आदमी 11 बजे लगेगा, तो 11 बजे के लिए तीन पहली चाय। दो ही चाय मिलेंगी, 3 बजे मिलेंगी। अब नींबू पानी या लस्सी, एक चीज बताओ। मजदूर को नींबू पानी लस्सी कौन देता है? चलो मैं लेके आती हूँ, लस्सी लेके आती हूँ। अभी मैंने बनाया था नींबू पानी क्योंकि नवदीप चाय मांग रहा था और बार बार चाय हेल्दी नहीं है, तो इसलिए मैंने नींबू पानी बनाया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम पी रहे तो ऊपर भैया को भी दे दें। तो पहले भैया को नींबू पानी देकर आते हैं, कुछ हेल्दी हो जाए। भैया पानी, नींबू पानी है, नींबू पानी बना रखा है। हाँ थोड़ा गर्मी है ना, इसलिए सही हो जाएगा। और ये नींबू पानी है नवदीप शोगन जी के लिए, जिस पे अभी हमने थोड़े से ना चिया सीड्स डाल दिए। तो ये हाई इन फाइबर होते हैं और ये हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छे होते हैं, प्लस इनमें एनर्जी भी अच्छी होती है। तो जल्दी से देते हैं, लीजिए मिस्त्री साहब नींबू पानी। तो पीकर बताएंगे मिस्त्री जी कैसा है पानी, नींबू पानी चाय से अच्छा है? बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। सो गाइस ये हमारा भी लंच कह सकते हो या इवनिंग स्नैक्स कह सकते हो। लंच तो वैसे हमने इडली खा लिया था लंच में, और अभी हम बनाया है हमने ये ब्लैक चना वाला सैलेड। इसमें क्यूकुम्बर है, प्याज है और टमाटर है, साथ में काले चने। अब मैं इसमें बस नींबू डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर प्लस नमक। सो गाइस आज फिर बारिश हो चुकी है, जब हमने फर्स्ट डे लगाया था तब भी बारिश थी। अभी नवदीप ने पूरी बारिश में ईंट यहाँ से वहाँ रखी है क्योंकि वहाँ पे अभी चिनाई शुरू होगी। कमी अभी थोड़ी से मजदूरों की और मिस्त्रियों की है, थोड़ा हमें पहले वो लेट मिले और अब भगवान हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, रोज ही बरस जा रहा है। अभी तो यहाँ काम नहीं होगा फिर बारिश की वजह से, है ना। और हमें ये भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है कहीं दीवारों में पानी ना लग जाए, इतना हम सही ना करें जितना ख़राब हो जाए। और बारिश मतलब अभी तक कितनी देरों से बरस ही नहीं रहा था और जब से हमने मिस्त्री लगाया रोज़ बरस रहा है। सो गाइज आज का ये हमारा लास्ट अपडेट, यहाँ पे हमने पूरा निकाल दिया है जितना भी हमारा वुड का था। अरे ये स्टूल भी गंदा हो गया, इसको तो अंदर ले लेते। और बीच में बारिश आ गई थी तो काम रुक गया था, और अभी यहाँ पे ये वाली दीवार और बनेगी, ओवर टाइम करेंगे मिस्त्री जी और मजदूर जी, और उसके बाद कल यहाँ से स्टार्ट होएगा तोड़ना वगैरह शायद। तो ये है आज का हमारा अपडेट। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी ईट हेल्दी।